एजेंट बॉबी रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। तुमने बड़ा अच्छा किया अपने हॉलीडेज कैंसिल कर दिए। एक बहुत खतरनाक साजिश के बारे में पता चला है एक इंटरनेशनल एजेंसी के जरिए कि हिंदुस्तान पर एक आतंकवादी हमला होने वाला है 26 जनवरी को, और यह हमला आज तक का सबसे बड़ा हमला होगा। आपको कौन से टेररिस्ट ग्रुप पे शक है सर? अभी तक तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिली है कि असद कश्मीरी नाम के आदमी का हाथ हो सकता है। यह टेररिस्ट कश्मीर में रहता था, अभी तक पकड़ा नहीं गया, लेकिन जब भी कोई आतंकवादी हमला हुआ है यह आदमी वहां पर कुछ दिनों पहले तक जरूर दिखाई दिया है। एंड अकॉर्डिंग टू आवर इन्फॉर्मेशन यह आदमी 2 दिन में बल्गेरिया की राजधानी सोफिया में पहुंचने वाला है। बॉबी, तुम्हें सोफिया जाना होगा। यस सर। लेकिन मेरा ख्याल है यह आदमी अकेले काम नहीं कर रहा, इसीलिए सिर्फ इसे पकड़ लेने से खतरा कम नहीं होगा। गुड, तो तुम समझ गई हो कि इससे कैसे डील करना है। ऑल द बेस्ट बॉबी, हैव ए गुड टाइम इन सोफिया। मैं कैसे एंजॉय कर सकती हूँ सर जब तक मैं ये पता ना लगा लूं कि आतंकवादी मेरे देश पे कैसे कैसे हमले की तैयारी कर रहे हैं। मैं हट जाना चाहिए था, बहुत स्लो हो गए हो तुम। एक गलती एंड यू आर डेड। मेरे बल्गेरिया से लौटने तक अपनी ट्रेनिंग जारी रखो, समझे? मेरे ख्याल से तुम्हें बल्गेरिया नहीं जाना चाहिए। क्यों? तुमको मालूम है मेरा जाना कितना जरूरी है। लेकिन अभी अभी मेरे एक इन्फॉर्मर ने इत्तला दी है कि हिंदुस्तान की सीक्रेट सर्विस IDIA को तुम्हारे बल्गेरिया जाने के बारे में पता चल चुका है, और इसीलिए उनकी एक सीक्रेट एजेंट बॉबी कौर कल बल्गेरिया पहुंच जाएगी, और यह बहुत खतरनाक हो सकता है। किसके लिए? मेरे लिए या उसके लिए? Yeah.
Show me the guns. Покажи ми оръжията. Show me the real guns. Покажи ми истинските оръжия. О, Боже! Та харесва ли ти? Man, come on, you can't do this. What do you think you're doing? Turn over! Just give me the disc back. Mukive, copere! Listen! Има едно индийско копеле на комп. Убийте го! Да тръгваме! Let's go.
मॉर्निंग अर्जुन, या गुड इवनिंग कहूँ? इवनिंग मेरे लिए सर, आपके लिए गुड मॉर्निंग। और तुम्हारी रशियन लैंग्वेज की क्लासेस कैसे चल रही हैं? सर मैंने उसे दसवीं दानिया कह दी, यानी रशियन में गुड बाय। सर आज की मिशन की खास रिपोर्ट है, मैंने डॉन राजा की लोकेशन के बारे में पता किया है। ये अचानक डॉन राजा बीच में कैसे आ गया? सर हथियारों के जिस स्मगलर से आज मेरा टकराव हुआ वो डॉन राजा का एजेंट निकला। इनफैक्ट उसके लैपटॉप में से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है, डॉन बल्गेरिया के कैपिटल सोफिया में छुपा हुआ है। एक्सेलेंट वर्क अर्जुन, लेकिन तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, बॉबी ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी है। सर प्लीज, मैं वहां जाना चाहता हूं, प्लीज मुझे वहां जाने की इजाजत दीजिए। एक ही शहर में दो एजेंट को भेजने की क्या जरूरत है? तुम ऐसा करो कि आज ही इस्तांबुल पहुंच जाओ। सर आप जानते हैं मैं वहां क्यों जाना चाहता हूं, और सब समझ के भी सर आप ना समझ बन रहे हैं। मैं तुम्हारी बेचैनी को महसूस कर रहा हूं अर्जुन, लेकिन जहां पर जज्बात और जाती दुश्मनी हो वहां पे किसी एजेंट को भेजना हमारे उसूलों के खिलाफ है, यू नो दैट वेरी वेल। सर मैं अपनी ड्यूटी की जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह समझता हूं, मुझे प्लीज वहां जाने दीजिए। मैं वादा करता हूं, मेरा कोई कदम गलत नहीं उठेगा। सॉरी। मुझे माफ कीजिएगा सर, मैं इस तरीके से आईडिया ए के साथ काम नहीं कर सकता। मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। अर्जुन सिंह। ये बुलेट अपना निशाना ढूंढ रही है। राजा बल्गेरिया का एक मिलियनेयर बिजनेसमैन जो इतना इंटेलिजेंट है कि 5 साल में मुंबई के फुटपाथ से इस पोजीशन तक आ गया, जिसका धर्म है गद्दारी, जिसका ईमान है बेईमानी, इसका पेशा है क्राइम, मौत का एक नया चेहरा। Stop. Where's the third king? I am the third king. Teesra Raja main hoon. We'll go to my place and then we see what we can do. Oh, no, just a second. Robert, it's okay. Give me some money. Come here. You're good, sir. Oh, God bless you. बहुत आवाज करता है साला। Mr. Arjun Singh, come with me. Good morning, Arjun Singh. I'm Sophia Khanna, Special Security Officer. Good morning to you all. What's happening here? तुम मुझसे हिंदी में बात कर सकते हो। Mm-hmm. हमें तुम्हारी तलाशी लेनी है। अपने बैग्स खोलिए। Sorry, मैं आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके आया। आपको बैग्स के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। वो हमारी प्रॉब्लम है। मैंने बोला था ना आपको बैग्स के अंदर कुछ नहीं मिलेगा, आपने मेरी बात नहीं मानी। तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ, मगर ये जरूरी था। आप कल तक आईडीआई के एजेंट थे मगर अब नहीं है। अगर मुझे पता होता कि आप जैसी खूबसूरत पुलिस वाली से मुलाकात होगी तो शायद मैं रिजाइन ही नहीं करता। बल्गेरिया आने की वजह? मैंने यहाँ की कुछ फोटोग्राफ्स देखी थी, इंटरेस्टिंग लगी।
सोचा सोफिया को नजदीक से देख लिया जाए। आपके लिए एक वार्निंग है, आप कोई जासूसी का काम नहीं कर सकते। एक बात तो बताइए, आपने हिंदी कैसे सीखी? आपको मालूम था कि मैं आने वाला हूँ? मेरे डैडी हिंदुस्तानी थे और मुझे बता गए थे कि कोई हिंदुस्तानी सताए तो कह देना शट अप। वेलकम। थैंक यू। प्लीज कम। हेलो, कैसे हो? जी ठीक हो। कैसे हो? जी ठीक है। हेलो, वेलकम टू बुल्गारिया अर्जुन। राजा, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तभी तो मेरी याद में यहाँ तक आ गए। यहाँ तो मेरे मेहमान हो, मेरे होटल में रहो, फ्रेश होकर मेरे नाइट क्लब आ जाओ, थोड़ी और खातिरदारी करेंगे तुम्हारी। This is your room. If you need anything, please call me. Thank you. Bye. Bye. यहाँ क्या कर रहे हो तुम? टूरिस्ट हूँ, नाइट क्लब घूमने आया था।
मैं तुम्हारे जासूसी की बात कर रही हूँ। स्टेज से ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें तुम्हारे टेबल पे हो रही थी। वो फोटोग्राफ किसकी थी? तू ढूंढ रही हो क्या? जब तक सीक्रेट सर्विस में हूँ तब तक दिल्ली का तो कोई चांस ही नहीं। हाँ मुझे लगता है तुम जल्दी शादी करने वाले हो, तभी तो रिजाइन किया। नौकरी से रिजाइन किया है, फर्ज से रिजाइन नहीं किया। फर्क समझाओ। यही समझ लो कि नौकरी ही मेरा फर्ज था और वही नौकरी मेरी रुकावट बन रही थी। कितनी शराब पी रखी है तुमने? नहीं बड़ी बकी बकी बातें कर रहे हो। कुछ मुजरिमों को कानून में रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तुम्हारा मुजरिम कौन है? टॉन राजा, इस होटल का मालिक, नासिक पुलिस फोर्स का इंस्पेक्टर राजा। ये देखो सर। अबे यार। सर, सर आप मुझे 10 रुपए दोगे? और सर आप 16 रुपए? हाँ 16 रुपए जानता हूँ। सर दोना 10 रुपए? अरे देता हूँ ना साला, रोता क्यों है? इसमें से 10 लाख निकाल के दे दो क्या? ये तेरे ससुराल के हैं क्या? अरे काश अब उनके ससुराल में भी 50 करोड़ होते यार। लेकिन सर मेरे 10 रुपए का क्या? तेरा लक बहुत जोरदार चल रहा है सचिन। कहते हैं जिसका लक पत्ते में जोरदार होता है ना, वो लाइफ में फेल होता है। लाइफ में नहीं राजा, प्यार में। तभी तो अभी तक इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। सर मुझे अब किसी गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है, वो माँ ने मेरे लिए एक लड़की देखी है। लड़की? क्या बात कर रहा है? क्या बोलता है रे? सर मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। घर वर खरीदा क्या? अब क्या सर, आप भी क्या मजाक कर रहे हो? अब 8,000 की पगार में घर कहाँ से खरीदूंगा? क्यों, सारे पुलिस वाले को एक ही पगार मिलता है, फिर उनका घर कहाँ से आता है? राजा प्लीज सचिन के साथ ऐसी बात मत कर। क्यों, नया आया है, इसको सीखना मांगता ना सब झोल। देख सचिन, ये पुलिस स्टेशन है ना, ये अपन का ऑफिस है ऑफिस, यहाँ बैठकर अपन धंधा करता है धंधा। राजा प्लीज चुप करेगा? अरे तू चुप कर रहे, अपनी तरह बनाएगा क्या इसको? मैं पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन किया तेरे को मालूम है सचिन? पुलिस फोर्स की किस्मत खराब थी इसलिए। मैं तो छोटा चोर था, चोरी अपन करता था और बड़ा हिस्सा हमेशा पुलिस वाला ले जाता था। बस उसी दिन से अपन ने सोच लिया अपन वो बनेगा जिसको हमेशा बड़ा हिस्सा मिलता है। मेरा आदर्शवादी बाप तो बहुत खुश हुआ, बेटा पुलिस वाला बनेगा। उसको अपना असली वजह नहीं पता था ना, इसको बोलते हैं काम। बाप भी खुश, बेटा भी। लेकिन सर मेरी माँ तो बहुत दुखी होगी। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि वो पूरी जिंदगी आधी रोटी खा के जी लेगी, लेकिन ये रिश्वत के पैसे का श्राप नहीं सह सकती वो। तो अभी बच्चा है रे, थोड़े दिन रुक जा, सुधर जाएगा। ए पाटिल क्या हुआ? सर कोई रोड ब्लॉक करके खड़ा हुआ है। ए चले बंदूक फेंक, चल अब खेल खत्म, पैसा हजम। क्या बकवास कर रहा है, चल कर हटा। बेड़ो पुलिस वाले तो मर गए और मेरे आदमी भी, अब बचे हम 3। 50 करोड़ है, 3 इसे कर लेते, मंजूर है तो चेस कर। तो ये सब तुम्हारी चाल थी? क्या करे, बाप ने नाम तो राजा रख दिया लेकिन बना नहीं सका, लगे मैं तुम दोनों को राजा बना दूंगा। ये तो अच्छा नहीं कर रहा राजा। अरे ये तो पागल है, तू बोल सचिन बांटेगा क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, ये मेरी माँ को पता चलेगा कि मैंने पैसे लूटे हैं, वो तो मर जाएगी। साला मिडिल क्लास, अब तू मर। सचिन। अर्जुन अब सिर्फ 2 हिस्से हो गए, मान जा। देख राजा अभी भी वक्त है, बंदूक फेंक दे। अब कोई हिस्सा नहीं होगा। राजा तो समझता था कि मैं मर चुका हूं, लेकिन मेरी जान बहुत बेशरम है, अब वो राजा की जान से पहले निकलना ही नहीं चाहती। कमबख्त बहुत जिद्दी है। वाव, तो जनाब का प्राइवेट मिशन ये है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स बॉबी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने मकसद में कामयाब होगे। हेलो, माय नेम इज सारा। कुछ और भी होता तो फिर भी आप इतनी ही खूबसूरत होती। हेलो, हाय, आई एम बॉबी, जो आप लोगों को अभी गुड नाइट कह रही है। बाय सारा। बाय। बाय अर्जुन। सी यू बॉबी। मैं आपके लिए कुछ ऑर्डर कर सकता हूँ? जी नहीं, कोई जरूरत नहीं। इस वक्त तो मैं आपके लिए एक ऑर्डर लाई हूँ, राजा आपका वेट कर रहा है, चलें। वेट अ मिनट, मैंने आपको पहचान लिया। आप पहले फिल्मों में काम किया करती थी, मीरा के नाम से, राइट? ठीक पहचाना आपने। वाओ,
अब मुझे भगवान पे भरोसा आने लगा है। कितनी बार उस अंधेरे थिएटर में दुआ मांगी थी कि भगवान एक बार मिला दे। कोई काम की चीज मांगी होती, मौका वेस्ट कर दिया। अब हमें चलना चाहिए। आप यहीं इंतजार कीजिए, राजा भी आते होंगे। It was a pleasure meeting you. Same here. See you. Hi, babe. अब भी बहुत जान है। तू तो पहले से भी ज्यादा पुस्तिल हो गया है। अब तुझे अपनी हिफाजत के लिए लड़कियों की जरूरत पड़ती है। क्या करे, ये लड़कियां मुझे इतना चाहती हैं, किसी को पास आने ही नहीं देती। खैर छोड़ो। अरे वो विस्की का अधूरा जाम पूरा करना चाहोगे? विस्की के जाम के अलावा भी कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहूंगा, जैसे तुझे हिंदुस्तान की जेल ले जाना। अभी तक फर्ज की कसम के पक्के हो, लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम रिजाइन कर चुके हो। मेरी बात मानो, मेरे साथ काम करो, तुम भी राजा बन सकते हो। तुझ जैसा राजा तो कोई भी बन सकता है। कोई भी बुजदिल इंसान जिसमें इज्जत की रोटी कमाने का दम नहीं, यही काम करेगा। अरे तू तो इतना घिरा हुआ इंसान है, शायद इन लड़कियों के बिना कुछ कर भी नहीं पाएगा। वाह क्या भाषण है, किसी ने सुना? कोई मानेगा क्या? अर्जुन सिंह, जिंदगी बहुत छोटी है, जब तक समझ पाओगे ना पूरी हो जाएगी। अब तो तुम सीक्रेट सर्विस भी छोड़ चुके हो, मेरे साथ काम करो और देखो राजा कैसे जीता है। चार दिन की चांदनी है राजा, मैं तुझे यहां हिंदुस्तान ले जाने आया हूं। मैं सचिन की मौत को अभी तक भूला नहीं। ओह गॉड, तुम्हें वो बात अब तक याद है? सचिन तो मर गया, तुम तो जियो, सुफिया आए हो, ऐश करो। और हाँ, वो तुम्हारे सचिन के नाम भी एक पैक पी लेंगे। अपने दिन गिनना शुरू कर दे राजा, मैं तुझे यहां से लेके जाऊंगा, जिंदा या मुर्दा। आई लव पीपल हु हेट मी। Security alert! Security alert! कौन चूहा शेर की गुफा में आने की जरूरत कर रहा है? ढूंढो। Europe. Sofia. King's Plaza. Room 1604. Arjun. Arjun. तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? एक मामूली चोर की तरह मेरे कंप्यूटर में ताक झांक करते हो। Very bad. चोर के घर में चोरी करने को चोरी नहीं कहते राजा। मेरे दोस्त, तुझे क्या चाहिए बोला, मैं दूंगा। इतना ही दानवीर बनता है तो अपने किए हुए जुर्मों के सबूत दे दे। जुर्म और मैं? अरे मैं तो नाइट क्लब्स और होटल्स का बिजनेस करता हूँ यार। हाँ कभी कभार किसी बिजनेसमैन की तरह मैं भी कुछ चीजें खरीदता बेचता हूँ,
लेकिन चीजों में फर्क है। वो लोग अनाज और शक्कर बेचते हैं और मैं गंज और ड्रग्स बेचता हूँ, लेकिन उसका सबूत तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। सबूत तो जहां भी होंगे मैं ढूंढ निकालूंगा। वो सबूत तो मेरे करोड़ों की दौलत के इतने नीचे दफन है कि वहां तक तो कोई नहीं पहुंच सकता। अब भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे तेरी दौलत खरीद नहीं सकती, जिसमें से एक है तेरा भविष्य जो बहुत जल्दी गायब होने वाला है। आई लव पीपल हू हेट मी। क्या जोश है, मेरे शहर में मेरे कंप्यूटर में घुस के मुझे धमकी दे रहे हो। तुम सिर्फ इसलिए जिंदा हो क्योंकि मैं चाहता हूं। मुझे ये चैलेंज पसंद है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे करते हो। हैव फन। मिस्टर असद, कहो क्या बात है? ककाओ डिस्को में मिलना है। मैं वहाँ ठीक 8 बजे पहुँच जाऊँगा। बाकी सारी बातें हम वहीं करेंगे, ठीक है? हाँ, ककाओ डिस्को याद रखना। याद है। बाय। Then what are you doing? What's your problem? IDIA की सीक्रेट एजेंट सोफिया में स्पेशल मिशन पर आई हो। गुड,
तुम जब इतना जानते ही हो तो ये भी जानते होगे कि मेरा मिशन क्या है। कामयाब नहीं होगी। गलत। मेरा मिशन तुम्हें पकड़ना नहीं है, हमें तुम्हारी जरूरत है एक बहुत बड़ा अनर्थ रोकने के लिए। 26 जनवरी। करेक्ट। और इंटरपोल की रिपोर्ट के हिसाब से तुम किसी के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा आतंक फैलाने वाले हो। और अगर इस अनर्थ को रोकने में तुमने हमारा साथ दिया तो मैं वादा करती हूँ हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से तुम्हारी सजा कम करवा दूंगी। गवर्नमेंट, तुम मुझसे ये झूठा वादा करोगी फिर हिंदुस्तानी जेल में सड़ने के लिए छोड़ दोगी? असद, इस वक्त 26 जनवरी हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है, प्लीज हमें इस मुसीबत से निकाल दो, ये तुम्हारा हम पर एहसान होगा। मैं सिर्फ मुंह जबानी काम नहीं करती, मैं तुम्हें हिंदुस्तानी एम्बेसडर से मिलाऊंगी, सारी बातें कागज पर होंगी गवर्नमेंट की मोहर के साथ, तब तो तुम्हें यकीन होगा ना? सोच कर बताऊंगा। ओके, ये मेरा कार्ड है असद, अब लाखों लोगों की जान तुम्हारे हाथों में। गुड इवनिंग सर, देयर इज समवन वेटिंग फॉर यू एट द बार। ओह देयर, थैंक्स। हेलो हेलो, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, यहाँ कैसे आई? आई तो खाना खाने के लिए थी, मगर तन्हा खाना खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आपके दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। वेटर, कैन आई हैव द मेन्यू प्लीज? 5 मिनट में खाना भी आ जाएगा और मैं आपको कंपनी भी दे दूंगा। यहाँ नहीं, चलिए आपके रूम में चलते हैं। ओके, नॉट अ बैड आइडिया। मैं आपको पहले ही वार्न कर देना चाहता हूँ, मैं भरोसे वाला इंसान नहीं हूँ। मैं आजमाऊंगी। कमाल की बात है, आप सोफिया जैसे शहर में इतनी तनहा है। कभी कभी इंसान भीड़ में भी अकेला होता है, मैं तो भीड़ की वजह से अकेली हूँ। ना ही आप यहाँ खाना खाने आई थी और ना ही टाइम पास करने, क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं इसलिए 2 सीरीज आपको दे देता हूं। इसमें मेरी एक्टिविटीज की सारी इंफॉर्मेशन है। ये डॉन राजा को दे दीजिएगा, खुश हो जाएगा। एक्सलेंट। हमारा हिंदुस्तान का दोस्त बड़ा ही शक्की किस्म का इंसान है, अपने जासूसी के काम को बहुत सीरियसली लेता है। इतने जल्दी हमारे सारे कंपनीज के बारे में भी जान गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं जानता। मगर वो कितना जानता है ये हम जानते हैं। गुड वर्क सारा, आज तुम इतनी बेसब्र हो, मेरा इंतजार भी नहीं किया। कब तक राजा तुम मेरा यूं ही इस्तेमाल करते रहोगे? कैसी बातें कर रही हो स्वीराग, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूं, तुम्हें इतना चाहता हूं अपने साथ बल्गेरिया ले आया हूं। डोंट हग मी लाइक दिस। आई एम फेड अप ऑफ माय लाइफ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। व्हाट्स योर प्रॉब्लम बेबी? मेरी प्रॉब्लम तुम हो राजा, तुम्हारी ये जुर्म की जिंदगी है, मेरी ये कैद है। अगर कोई भी इंसान मुझसे इस तरह की बातें करता ना तो मैं उसे गोली मार देता, लेकिन तुम सारा, तुम्हें नहीं मार पाता हूं। ये खूबसूरती, ये आंखें, यू नो आई लव यू, तुम मेरी पार्टनर हो, ये काम तुम मेरे लिए थोड़ी कर रही हो, इसमें तुम्हारा भी तो शेयर है ना। और एक बात कहना चाहूंगा स्वीरा,
फिर नहीं कहूंगा। मुझसे इस तरह की बातें कभी नहीं करना, समझी? कभी नहीं। आज कैसे यहाँ का रास्ता भूल गए? रात भर सो नहीं पाया, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। जरूर कोई डरावना सपना देखा होगा। सीरियसली, एक चुड़ैल मेरे कान खा रही थी, ठीक इसी तरह। थैंक यू, मैं अपनी सैंडविच खुद बना लूंगा। तुम्हारा झूठा खा लिया तो मैं भी झूठ बोलने लगूंगा। तो मतलब ही यार हो, बिना काम के तो नहीं आए होगे? गुना कबूल। तुमने डॉन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता की है क्या? नो, सॉरी, रॉन्ग नंबर। अर्जुन, तुम अब एजेंट नहीं हो और मैं तुमसे अपना काम डिस्कस नहीं कर सकती। गलती से थोड़ा बता दोगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। माना मैं आज एजेंट नहीं हूँ, लेकिन पहले कितना अच्छा एजेंट था, कितनी बार तुम्हें पागल होने से बचाया है। कोई और बात करो जनाब। कहो, कैसी कट रही है बल्गेरिया में? बुरे हाल हैं। जो दोस्त थे उन्होंने तो साथ छोड़ दिया, दुश्मन उनका क्या कहना। हेलो, यस सर, यस सर, हाँ सर, हाँ, एवरीथिंग ओके, समझा दिया है, आ जा रही हूँ। सर, पेपर्स रेडी है? हाँ सर, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग फाइन सर। ओके ओके सर, फाइन सर, ओके सर, बाय। हेलो बॉबी। हेलो असद। क्या सब तैयार है? हाँ, क्या तुम तैयार हो? वरना फोन नहीं करता। हिंदुस्तानी एम्बेसडर ने कंफर्म किया है, सारे कागज रेडी है, डरने की कोई बात नहीं। मैं किसी से नहीं डरता, चलो चले। हो बच्चा, मत वजह खाना बाशी फॉमिदी, तुम्हों में खाना रहो मत वजह बाशी, कैसे नजर आया? बले गैप फॉमिदी। बले साहिब। ओके, भेज दो ने। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू बॉबी? हेलो सर। असद, वेल डन यंग मैन, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देना चाहता हूँ। सर, क्या वो पेपर्स तैयार है? पेपर्स ठीक है ना? जैसा मैंने वादा किया था, इन पेपर्स में तुम्हें गारंटी दी जा रही है कि तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ होगा। हाँ, मैंने पढ़ लिया है। हाय। तो फिर सोच क्या रहे हो? साइन कर दो। हेलो, मत्र नगत मुतवजे बाश चुरा मुतवजे नशु दिया बहुत रेशी चन नफर बुदन मना गुफ्तुम की नबे इंजा बले हा। ये सब साजिश है, तुम लोगों ने मुझे यहां इसलिए बुलाया ताकि मेरे घर की तलाशी ले सको। बॉबी, तुम धोखेबाज हो, मैं कोई व्यवसाय नहीं करूंगा। What's going on, Bobby?
मैं नहीं जानती सर। Excuse me, do you know this man? He's over there. What a handsome guy. Excuse me, you're Jimmy. Yeah. And you're Hanif, right? Right. क्या मैं यहाँ आप लोग के साथ बैठ सकता हूँ? Yeah, sure. Thank you. हमारे बारे में कैसे जानते हो? मुसीबत में अपने ही काम आते हैं। असद से खबर मिली थी। ये असद हमें मरवाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका दोस्त हूं। दोस्ती का कोई सबूत दो। मेरे जेब में एक पिस्तौल है, वो मैं आपको दे देता हूं, और अगर मैंने होशियारी की तो गोली मार देना। क्या चाहते हो? डॉन के बारे में आप कितना जानते हैं? वो डॉन राजा उसे तो हमने बनाया है, लेकिन इंसान बहुत घटिया है। मैं उसका कंप्यूटर इंजीनियर था, 6 महीने पहले छोड़ दिया, और ये उसके डॉक्टर थे। डॉन से क्या लेना देना? मैं उसे हिंदुस्तानी जेल में दफन करना चाहता हूँ। इरादे तो नेक लगते हैं। इरादा तो नेक है, मगर मदद का वादा चाहता हूँ। बोलो, कैसी मदद? इंटरनेशनल कानून की वजह से डॉन ने जितने भी जुर्म हिंदुस्तान में किए हैं, मैं उनके लिए उसे यहाँ गिरफ्तार नहीं कर सकता। हाँ, अगर मुझे उसे यहाँ पकड़ना है तो मुझे इतना पता करना पड़ेगा कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ कौन से गैर कानूनी काम कर रहे हैं। ये तो बहुत मुश्किल काम है। जानता हूँ, तुम डॉन के कंप्यूटर इंजीनियर थे। मुझे उसके कंप्यूटर से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन उसको पता नहीं चलना चाहिए। मैं तुम्हें एक पासवर्ड देता हूँ, इसके जरिए डॉन के कंप्यूटर से भेजे हुए सारे ईमेल्स तुम्हारे कंप्यूटर में आते रहेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें जब भी जरूरत पड़े याद जरूर कर लेना। तुम्हारी पिस्तौल। बहुत जिगर रखते हो, अपनी पिस्तौल हमें दे दी। खाली थी। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो ठीक है, मुझे गोली मार दो, मगर मैं सच कह रही हूँ, मैंने यहाँ किसी को नहीं भेजा था। तुम्हारे सिवा और किसी के पास मेरे घर की तलाशी लेने की वजह भी नहीं है। तुम जब अपने आप को एम्बेसडर के हवाले कर रहे थे तो फिर मैं ऐसी हरकत क्यों करती? आज जो हिंदुस्तानी तुम्हारे घर आया था ना, वो एजेंट तो बहुत पहले ही रिजाइन कर चुका है। मैं नहीं जानती कि वो यहाँ क्या तलाश करने आया था या वो किसके साथ काम कर रहा है। मैं इतना जानती हूँ कि जब तुमने मेरी मदद करने का वादा किया ना, तो मुझे यकीन हो गया कि हम कामयाब होंगे। अब अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो ठीक है, मगर इतना जान लो कि तुम एक आदमी की गलती की सजा लाखों मासूमों को दे रहे हो। मासूम तो मेरी बीवी और मेरी बेटी थी, मासूम तो मेरे वो दोस्त भी थे। आंख के बदले अगर आंख फोड़ी जाती तो सारी दुनिया अंधी हो जाती। तुम्हारे दिल में नफरत है पर दर्द भी छुपा है। अगर ये दर्द ना होता ना, तो तुम मेरे साथ जाने के लिए कभी तैयार नहीं होते। इस वक्त तुम गुस्से में हो, पर कहीं यही गुस्सा तुमसे वो गलती ना करा दे जिसके लिए तुम सारी उम्र भर पछताओ। क्या चाहती हो तुम? 26 जनवरी के प्लान के बारे में क्या जानते हो? ये डॉन राजा का प्लान है, उसने हिंदुस्तान में दहशत फैलाने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है। प्लान क्या है? क्या वो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं? वो तो बहुत छोटी चीज है, कॉन्ट्रैक्ट 500 करोड़ का है, काम भी बड़ा होगा। तुम्हें कितनी डिटेल्स मालूम है? अभी तक सिर्फ इतना ही जानता हूँ। और कौन लोग हैं उनके साथ? दुनिया की बड़ी ताकतें जो हिंदुस्तान को तबाह करना चाहती हैं। जानती हूँ, और ये कोशिश कई सालों से चल रही है। पंजाब में भी इन लोगों ने 9 जवान लड़कों को बहका कर आतंक फैलाया हुआ था। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, और मेरे गांव के काफी लड़के जो मेरे दोस्त भी थे रातों रात इतने पावरफुल हो गए। कॉलेज की लैब में एक्सपेरिमेंट करने की बजाय गन और बॉम्ब से खेलने लगे। नौजवान ही आतंकवादियों का बारूद होता है।
लेकिन यही बारूद दुश्मन पर भी तो फेंका जा सकता है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, आगे क्या होने वाला है? डॉन राजा अगले दो दिन में कुछ जरूर करेगा, मैं पता लगाता हूँ। असद, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुमने मेरी मदद की। कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो हिचकिचाना नहीं। आहट सुनी मैंने पर आया न कोई, आहट सुनी मैंने पर आया न कोई, मेरे सुने दिल को याशी करा रहे हो इन लोगों को, लगता है कोई बड़ा हाथ मारने वाले हो। इन लोगों के लिए $1,000 की एक एक बोतल 40 साल पुरानी वाइन की है, स्विट्जरलैंड का चीज, ऑस्ट्रेलिया का गोश और इजिप्ट से बेली डांसर्स मंगाई है, और इन सब चीज की होती है कीमत, लेकिन जो मैं कीमत इनसे वसूल करने वाला हूँ वो इससे कई ज्यादा है। अब भी जगह बाकी है तुम्हारे पाप के कुएं में, और मैं गलत समझी थी कि तुम इससे नीचे नहीं गिर सकते। So sweet. ये लोग आतंक के दलाल हैं। दुनिया में कई देश है जो आतंक फैलाना चाहते हैं और इन्हें कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास आता है। और तुम इनकी दलाली करते हो। Attention, ladies and gentlemen. Hello. Good evening, good evening. Good to see you. Thanks, Robert. Good evening, everyone. Let's do some business. हर बिजनेस किसी न किसी जरूरत को पूरी करने पर डिपेंडेंट होता है। किसी को भूख लगती है तो एक बिजनेसमैन अनाज बेचता है, किसी को प्यास लगती है तो शराब। हर कोई कभी न कभी किसी न किसी चीज को बेचता है, कभी कला तो कभी दिमाग। मैं आज वैसे ही एक बिजनेसमैन की तरह आप लोगों के सामने एक नई चीज बेचना चाहता हूं। गौर से देखिए रॉबर्ट। Bombay Rides, December 1993. कॉन्ट्रैक्ट की कीमत $2 million। धर्म और मजहब के नाम पे जो तबाही हो रही है उसका मकसद बिजनेस, सिर्फ बिजनेस।
Libyan military base attack, 1996. Contract kimat, $5 million. Ek mulk ka nuksan, dusre mulk ka fayda. Maut aur tabahi ke ye contract hum lete hain. अब भविष्य की एक झलक। शहर के शहर सूखे पत्तों की तरह उड़ जाएंगे। 50 लाख से ज्यादा इंसानों की मौत एक झटके और कीमत सिर्फ 500 मिलियन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह फिल्म पसंद आई होगी। What is the weapon? वो हथियार अभी सीक्रेट है, लेकिन काम होने की पूरी गारंटी है। ये हथियार किसी भी शहर पर, किसी भी मुल्क पर, कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप लोग अपने अपने कागज पर लिखिए किस शहर या किस मुल्क पर आप लोग हमला चाहते हैं, और हाँ यह भी लिखिए कि कितने करोड़ डॉलर देना चाहते हैं। After all, it's all about money, honey. Good night. Don't move. Bobby, मैं अभी तुम्हें याद कर रहा था। अरे घना टाव यार, चल जाएगी तो मैं चल बसूंगा। अर्जुन, तुम असद के घर क्यों गए थे? वो बदमाश मुझे लंच पे बुला के खुद भाग गया यार। Shut up! मालूम है मैं उसे कितने दिन से ट्रैक कर रही हूँ? वो मेरा प्राइम सस्पेक्ट है। उससे इन्फॉर्मेशन निकाले बस इतनी दूर थी। तुमने आके सारा खेल खराब कर दिया। You were on the wrong track. Wrong track. अब देखो मैंने क्या पता किया है। ये देखो, 5 टेररिस्ट हिंदुस्तान जा रहे हैं और ये 5 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ब्लास्ट करने। ये शक्ति और अनु देख रही हो? ये अनुशक्ति न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात कर रहे हैं। ये गुजरात का दांडिया यानी काकरापुर का न्यूक्लियर रिएक्टर, यूपी का नारोरा, राजस्थान का रावत भाटा, तमिलनाडु का कल्पकम और मुंबई का तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट करने का प्लान है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन चीफ तक पहुंचानी है बॉबी, और मुझे तुम्हारे एक्सेस डिस्क की जरूरत है। ओह नो नो चैंपियन, तुम अब एजेंट नहीं हो, और चीफ से कॉन्टेक्ट करना या बात करना इज आउट ऑफ योर लिमिट। इसीलिए तो मैं तुम्हें याद कर रहा था बॉबी। नो, देखो तुम चीफ से कांटेक्ट करो, मेरी बात कराओ। बॉबी ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, थोड़ा सा भी डिले हुआ तो बहुत डेंजर हो सकता है। प्लीज बॉबी, प्लीज प्लीज। व्हाई यार, व्हाई मी? यस, आओ। मैं हमेशा तुम्हारी बातों में क्यों आ जाती हूँ? यू आर सो स्वीट। चीफ से कांटेक्ट तो मैं करवा दूंगी, मगर आगे चीफ की मर्जियां। पक्की बात। यस बॉबी, ये तुम्हारे साथ क्यों है? सर, ये कहता है इसके पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सर प्लीज लिसन टू मी, मुझे एक बहुत खतरनाक प्लान के बारे में पता चला है। डोंट टॉक, लिसन टू मी बॉय। मेरी पोस्ट और मेरे रुतबे को इंसल्ट करने वाले की मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। सर ऐसा मत कहिए, मुझे आपकी और आपकी पोस्ट की बहुत इज्जत है। अपनी पोस्ट से रिजाइन करके बगैर मेरी परमिशन के बल्गेरिया आकर तुमने दिखा दिया कि मेरी कितनी इज्जत करते हो तुम। तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है अर्जुन। तुम जिसे मैंने रूल्स तोड़कर पुलिस डिपार्टमेंट से IDIA में लाया। सर उसके लिए मैंने 6 महीने का कोर्स 3 महीने में किया था, और 3 मिनट में सब कुछ मिट्टी में मिला दिया अपनी जाति दुश्मनी के लिए। सर अगर मुझे जाति दुश्मनी निकालनी होती तो मैं बल्गेरिया आते ही डॉन राजा को गोली मार के निकल जाता, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि एक जिम्मेदार एजेंट होने के नाते मैंने पहले सबूत तलाशना चाहा, जो मैंने तलाश लिया है। ये देखिए, ये मैसेज कोड लैंग्वेज में है जिसे मैंने सॉल्व किया है। डॉन राजा 5 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हिंदुस्तान में उड़ाने वाला है, और उसके लिए वो 5 ह्यूमन बॉम्ब्स भेज रहा है। बॉबी, इसके बारे में तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? सर ये ठीक कह रहा है, असद ने इस बारे में मुझसे जिक्र किया था। कुछ पता है कि वो 5 लोग कौन हैं? सर मेरे पास कुछ इन्फॉर्मर्स हैं, मैं जल्दी पता लगा लूंगा। हेलो, हाँ अर्जुन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए अर्जुन साहब, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, मैंने इसलिए फोन किया ये बताने के लिए कि जो आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी, जो पासवर्ड दिया था, वो मेरे बहुत काम आया। कोई इम्पोर्टेंट चीज पता चली उससे? हाँ मुझे पता चला है कि हिंदुस्तान 5 लोग जाने वाले हैं, और वो वहाँ के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ब्लास्ट करने वाले हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत सीरियस मामला है। जानता हूँ, तभी आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि
अगर आप मुझे उनकी आइडेंटिटी या कुछ नाम या पता या कुछ भी बता सकते हैं तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। देखिए मैं कोशिश करता हूँ, कल आप इस एड्रेस पर आकर मेरे आदमी से मिलिएगा। एक मिनट, कहाँ पे? अर्जुन हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ लोग हमें मिलेंगे जो उन टेररिस्ट की डिटेल हमें देंगे। पहले हमें एंटीक मार्केट के पास एक आदमी मिलेगा पीली टोपी में। हौसला रखना, चाहे आए कोई तूफान। अब हमें कहाँ जाना है? अब रेवोल्यूशन पार्क में एक आदमी मिलेगा लाल टोपी में। जो जीतेगा वही इंसान है। हिम्मत जिसमें तो मौत भी है उस पे कुर्बान। जीना मरना नहीं है हाथों में तेरे, बढ़ आगे बांध ले सर पे कफन। What bullshit is this? इन फोटोग्राफ्स का क्या मतलब है? पता नहीं, कोई मैसेज या चेहरा तो नजर ही नहीं आता। मगर कुछ तो है। मुझे इन फोटोग्राफ्स देने का मतलब क्या है? जरूर कोई ऐसी बात है जो हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन ये फोटोग्राफ्स तो उलझाते चले जा रहे हैं। अर्जुन इस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि ये फोटोग्राफ्स तीन कलर में क्यों हैं? वेट अ मिनट, ये प्राइमरी कलर्स हैं। इन तीनों कलर्स को अगर मिलाओ तो सफेद रंग बनता है, राइट? राइट। बॉबी वी आर क्लोज। अगर तुम इन फोटोग्राफ्स की स्लाइड बना सकती हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसे तो कुछ पता नहीं चल रहा। This really doesn't make sense. एक काम करते हैं, ये तीनों कलर्स मिला के देखते हैं। Good idea. Still nothing. ये तीन अलग अलग रंग है। अगर इन तीनों रंगों को अलग एंगल से एक ही जगह प्रोजेक्ट किया जाए तो हो सकता है हमें कुछ मिल जाएगा। ये एंगल सही है क्या? हाँ, मेरा एंगल सही है क्या? ये तो हमारी ट्रिक कामयाब हो गई भाभी। Yes, this is a beauty. ये तो जिमी है जो मुझे रेस्टोरेंट में मिला था। स्लाइड चेंज करना। और ये हनीफ, ये तो डॉन का डॉक्टर था। Wait a minute, भाभी मेरे साथ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। तुम चीफ को कांटेक्ट करो, मैं उन्हें होटल में जाके देखता हूँ। Okay.
अभी उन्हें होटल से तो चेकआउट कर लिया है और होटल वाले बता रहे हैं कि वो मुंबई चले गए। तुम चीफ को फॉरन कॉन्टैक्ट करो और बोलो कि 5 टेररिस्ट हिंदुस्तान आ रहे हैं एक बहुत बड़े प्लान के साथ। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। What do you think you're doing? I told you not to move. What? Stay down. What the hell is happening here? I said stay down. You're under arrest, Arjun. लेकिन क्यों? Stay down. आज शाम को हमें ये फोटो मिले जिसमें तुम कुछ लोगों से मिल रहे हो। ये टेररिस्ट बॉम्बे एयरपोर्ट पर पकड़े गए हैं। इन्होंने ये बताया है कि तुम भी इनके साथ ही हो। What nonsense? तुम्हें 48 घंटे में हिंदुस्तान वापस भेजा जाएगा। लेकिन सोफिया तुम तो जानती हो। क्या जानती हूँ? यही कि मैंने तुम्हारा भरोसा किया। Ако не си отвориш устата, ще станем още по-жестоки. Ye pooch rahe hain tum kiske liye kaam karte ho. You have to tell us who you're working for. Hum terrorist ke saath kya kar sakte hain tum dekh rahe ho. Thank you, gentlemen, for letting me see my friend. क्या हाल बना दिया है तुम्हारा अर्जुन? मैंने इन्हें कितना कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन ये लोग तुमसे बहुत गुस्सा है। तुमने यहां आकर टेररिस्ट से कांटेक्ट क्यों किया अर्जुन? अब देखो, ये लोग तुम्हें टेररिस्ट समझकर पीटते ही रहेंगे। वाह अर्जुन वाह, यहां आए थे मुझे हिंदुस्तान के कानून के पास ले जाने के लिए, अब तुम खुद हिंदुस्तान भेजे जाओगे कानून के पास। कितने आसानी से तुम मेरे प्लान में फंस गए। वो आदमी जिसने तुम्हें पासवर्ड दिया था वो मेरा आदमी था, और जिसने तुम्हें फोटोग्राफ्स दिए थे वो भी मेरा आदमी था। कंप्यूटर में जो सीक्रेट मैसेज मिला था वो तो मैंने ही भेजा था। बहुत दिनों से मैं तुमसे कठपुतली की तरह खेल रहा हूं अर्जुन। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की ये सोचकर कि मैं तुमसे कमजोर हूं। आज मैं इतना पावरफुल हो चुका हूं कि दुनिया के किसी भी शहर में यूं आतंक फैला सकता हूं। अफसोस सिर्फ एक ही बात का है कि अपनी दोस्त की कामयाबी देखने के लिए शायद तुम नहीं रहोगे। टू बैड। एनीवे, विश मी लक एंड आई विश यू हैप्पी डाइंग। हमदर्दी के लिए शुक्रिया सोफिया। मुझे यहां से बाहर जाना होगा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। 26 जनवरी को हिंदुस्तान पे एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला है सोफिया, मैं उसे रोकना चाहता हूं। I'm sorry. मेरा फर्ज है तुम्हें हिंदुस्तान वापस भेजना। सोफिया मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें अपनी वर्दी का फर्ज निभाना है। मैं भी एक एजेंट था, मैं भी अपना काम ईमानदारी से निभाता था, लेकिन वर्दी से भी बड़ा एक फर्ज होता है, इंसानियत का फर्ज।
आज मुझे यहाँ रोक के तुम अपनी वर्दी का फर्ज निभाओगी, लेकिन इंसानियत को क्या जवाब दोगी? लॉकअप में तुम्हारी जगह मैंने एक दोस्त को रखा है। भरोसा करने के लिए शुक्रिया। यह मिस्टेक है, मैंने तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं किया। डॉन राजा को पता नहीं था कि मैं हिंदुस्तानी समझती हूँ। चलिए, डॉन राजा की मेहरबानी ही सही। मेहरबानी है मेरे डैडी की, उनको थैंक्स कहो। तुम्हारे डैडी बल्गेरिया कैसे आए? आए तो पढ़ने थे, मगर मामी मिली तो यहाँ बस गए। यहाँ के चोरों का बैड लक ही खराब है, आधी हिंदुस्तानी वो भी पिस्तौल वाली। डैडी तो चाहते थे हम हिंदुस्तान जाकर बस जाएं, मगर सड़क पर हो रही एक चोरी में एक फैमिली को बचाते हुए अपनी जान दे दी। हमेशा कहते थे कि मेरी जन्मभूमि के लिए कुछ नहीं कर सका। उनके बलिदान से खुश होकर गवर्नमेंट ने मुझे नौकरी देनी चाही, तो मैंने पुलिस की नौकरी मांगी। डैडी की तरह बहादुर बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी बहादुरी का नमूना तो देख चुका हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं हिंदुस्तान के किसी काम आ सकूँ तो मेरे डैडी की आत्मा को शांति मिलेगी, जन्मभूमि का कर्ज चुकता हो जाएगा। मैं तुमसे बहुत इंप्रेस होता जा रहा हूँ, पर अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मेरी वजह से एक पुलिस वाली ने कानून तोड़ा। कानून तो पुलिस वाले तोड़ते ही रहते हैं, मगर वो करते हैं पैसों के लिए। मेरी वजह कुछ और थी।
एक इंसान को चाहिए क्या, बस मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। एक इंसान को चाहिए क्या, बस मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। क्या जरूरत है उसको जहां में, जिस पे हो दिल रुबा की इनायत। जिन दिलों में मोहब्बत हो रोशन, किस लिए वो फिरे तू बता। दर बदल मुश्किल नहीं है ये सफर, तेरा साथ मिल जाए अगर। हमें खुद सामान की जरूरत होगी, मैं वो लेकर आती हूँ। सामान से जरूरी एक चीज है, वो इस कहानी की अगली कड़ी है। असद, जरा सोचो, मुझे पुलिस ने क्यों पकड़ा? उन फोटोग्राफ्स की वजह से जो मुझे असद के घर से मिली थी। पॉसिबल, क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड्स में भी असद हर टेररिस्ट अटैक के पास देखा गया है। वो डॉन का पार्टनर हो सकता है। हेलो, हाँ मैं पार्क में खड़ा हूं। हाँ ओके ठीक है। Who are you? What the hell is happening? सही जवाब दोगे तो जिंदा रहोगे। अर्जुन, वही जिसको तुमने अपनी जाल में फंस के जेल भेज दिया था। तुम्हें जेल भेजा था डॉन ने, और डॉन की मदद की थी तुमने। डॉन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं क्यों उसकी मदद करूंगा? असद ज्यादा होशियार मत बनो, हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दो वरना यहीं पंक्चर कर दूंगा। मुझे गोली मारने से तुम डॉन राजा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। ये हमें बहका रहा है। उन फोटोग्राफ्स में तुम टेररिस्ट से हाथ मिला रहे थे या नहीं? वो लोग दोस्त बनकर आए थे। मैं नहीं जानता कि वो फोटो किसने खींची और मेरे घर कैसे आई। अगर तुम झूठ बोल रहे होगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जो आदमी दिन रात मौत से लड़ता है, तुम उसे मौत की धमकी से डरा रहे हो। अर्जुन, मैं टेररिस्ट नहीं हूं, बल्कि मैं टेररिस्ट से लड़ने वाला एक इंसान हूं। अपनी हिम्मत से दुनिया भर में घूमकर आतंक को रोकने की कोशिश करता हूं, और इस काम के लिए मैं किसी गंडक नहीं लेता, क्योंकि अक्सर गवर्नमेंट में से ही कोई ना कोई टेररिस्ट से मिला हुआ होता है। मैं तो कश्मीर की वादियों में रहने वाला एक सीधा साधा बागबान था, अपनी बीवी और बच्ची के साथ खुशहाली के दिन गुजार रहा था। मुझे मार्शल आर्ट्स का बहुत शौक था, इसलिए ताइक्वांडो का एक इंस्टीट्यूट भी चलाता था। छोटे बच्चे जो जवानी में कदम रखने वाले हैं, उन्हें किसी ऐसे काम में लगाना चाहता था कि उनके अंदर का जोश अमन के लिए इस्तेमाल हो। मगर कश्मीर में आतंकवादियों के लिए ये नौजवान खुराक बन गए, और उन्होंने इन लड़कों को भर्ती करना शुरू कर दिया। मैंने जब एतराज जाहिर किया तो उन्होंने मेरे घर को जला दिया, साथ में मेरी बीवी बच्चे को भी। अपने अंदर लगी आग को मैं छोटे से इंतकाम से बुझाना नहीं चाहता था। मैं उस आग में झुलस कर वो लोहा बन गया जो दुनिया भर के आतंकवादियों पर अपनी धार का वार करने लगा। जब तक इंसान अपने अपने देश के लिए अमन मांगेगा, वो नाकामयाब रहेगा। अभी दुनिया इतनी छोटी हो चुकी है कि एक देश पर हमले का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, मगर फिर भी पूरी दुनिया में लोग एक अमन की बात नहीं करते। ये खुदगर्जी ही दुनिया को ले डूबेगी। असद, तुम जो काम कर रहे हो वो बहुत ही महान है, हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारा साथ दे सके। लेकिन हमें सबसे पहले 26 जनवरी के हमले को रोकना चाहिए। डॉन राजा बहुत सीक्रेटली काम कर रहा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो इस बार हमले कंप्यूटर्स के जरिए करेगा, क्योंकि पिछले दिनों बल्गेरिया में काफी सारे कंप्यूटर प्रोग्रामर्स लाए गए हैं, मगर हैरानी की बात है कि इस वक्त उनमें से कोई भी नजर नहीं आ रहा है। मुझे इमिग्रेशन रिकॉर्ड से उनके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन वो लोग हैं कहां, ये कैसे पता लगेगा? डॉन राजा के साथ एक फिल्म स्टार है, वो इन सब कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को हैंडल कर रही थी,
आई एम श्योर उसके घर से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। Is someone there? No. Get out of here. बाहर आ जाओ। अब कोई खतरा नहीं है। Thank you. Mention not. वैसे आप कुछ ढूंढ रहे थे। मैं कुछ मदद करूं? इस तरह हैरिस से मत देखिए। इसमें कोई चाल नहीं है। लेकिन क्यों? जब आपने राजा को धमकी दी, तो मैंने अपनी जिंदगी में पहला मर्द देखा। जिसने डॉन को ललकारा। मैं तहे दिल से चाहती हूं कि आप अपने मकसद में कामयाब हो। डॉन को धोखा देने के लिए सिर्फ ये वजह तो नहीं हो सकती। जब इंसान अपनी जिंदगी बेमाने गुजार देता है तो वो आखिर में जाने से पहले कुछ ऐसा करना चाहता है कि उसे खुद से शर्मिंदगी ना हो। लेकिन आप तो एक सक्सेसफुल और फेमस स्टार रह चुकी हैं। उस कामयाबी को पाने के बाद मैंने जाना कि वो सौदा बहुत घाटे का था। अंडरवर्ल्ड ने स्टार तो मुझे बना दिया, लेकिन बदले में जो मांगा। मेरी मदद करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। वैसे भी ये जिंदगी मैं जी नहीं रही, काट रही हूं। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन मदद के लिए इनकार होगा। वैसे भी यह लड़ाई आपकी कुर्बानी के बिना भी पूरी होगी। ये जिंदगी तो किसी के काम नहीं आ सकी, और आप मौत के तोहफे से भी इनकार कर रहे हैं। काश हम। जी, आप कुछ कह रही थी? जी, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। मैं आपकी किस तरह मदद कर सकती हूँ? डॉन हिंदुस्तान पे एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप मुझे इस पे ईमेल कर सकती हैं। थैंक यू। अगर आपसे मुलाकात नहीं होती तो शायद मेरी जिंदगी अधूरी रह जाती। तुम्हें पता है सारा, तुमने अपनी फिल्म में एक बेवफा लड़की का रोल किया था ना? जी, फिल्म का नाम था बेवफाई दिल से। यस, बहुत अच्छी फिल्म थी। उसमें हीरो एंड में तुम्हें मार देता ना? हाँ। तुम्हें पता है उस कैरेक्टर ने तुम्हें गोली क्यों मारी थी? क्योंकि वो तुम्हें इतना नहीं चाहता था जितना मैं चाहता हूं, इसीलिए तो तुम्हें मार नहीं सकता हूं। यू आर सो ब्यूटीफुल। कल रात अर्जुन आया था, सारा क्यों क्यों आया था वो रामजादा? बोलो।
अपनी किसी जरूरत से आया था, लेकिन मेरी हसरत को जगा कर चला गया। एक पल के लिए ही सही, लेकिन उम्र भर के गम भुला गया। अपने हौसले से मुझे यकीन दिला गया कि वो डॉन राजा को खत्म कर देगा। जी चाहता है तुम्हारा गला घोटू, लेकिन कर नहीं पाता, और तुम मेरी इसी कमजोरी के सहारे जी रही हो। ले जाओ उसको, अब बंद कर दो। सारे यूनिट्स को खबर कर दो, अर्जुन जहां भी दिखे उसे गोली मार दो। Don't move. Be careful, man. मुझ पर गन पॉइंट करने का बहुत शौक है तुम्हें, हाँ? दुश्मन और दोस्त का फर्क थोड़ा कम हो गया है। राजा जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, आज मेरे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। और तुम, जिसे मैं अपना दुश्मन समझता था, आज मेरे दोस्त हो। ये सुनकर खुशी हुई कि तुमने दोस्त तो समझा, लेकिन तुम्हारे एक दोस्त ने मुझे डाउट में डाल दिया है। किसकी बात कर रहे हो तुम? बॉबी, वो मुझे ठीक नहीं लगती है। साफ तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो बात है। आई थिंक तुम्हें गलत फहमी हो रही है। हमारे एजेंट्स का सिलेक्शन बहुत स्ट्रिक्ट होता है। यकीन मानो, जब वो तुम्हारी सच्चाई जान जाएगी तो तुमसे ठीक बात करना शुरू कर लेगी। मगर एक बात मेरे दिमाग में अटकी हुई है। बॉबी मुझे उस दिन मिली थी जब मैं उन लोगों के साथ मिला था जो टेररिस्ट निकले। वो सारा दिन मेरा पीछा कर रही थी। फिर वो फोटोज तुमको मिले जब बॉबी मेरे घर आई थी। ये सब एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है सर, जस्ट अ कोइंसिडेंस। पॉसिबल। तुम्हें मेरे घर का पता कहां से मिला? बॉबी के घर से। ओह माय गॉड, वो पता मुझे उस कुरियर की स्लिप से मिला था। उसने तुम्हें वो फोटोग्राफ्स कुरियर किए थे ताकि मुझे मिल सके। लेकिन क्यों? तुम मिलिट्री ट्रेनिंग में फर्स्ट आई थी ना? यस, दैट वाज इजी। मैंने बहुत एंजॉय किया। सीक्रेट सर्विस क्यों ज्वाइन की तुमने? बचपन से ही शौक था, मिशन बनाना, उसकी तैयारी करना और कामयाब होना। सोफिया में तुम्हारा मिशन क्या है? क्लासिफाइड, यानी मैं तुम्हें नहीं बता सकती। असद की फोटोग्राफ्स तुमने खींची थी ना? व्हाट व्हाट नॉनसेंस, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम असद से उस दिन मिली थी जिस दिन वो फोटोग्राफ्स खींची गई थी। उसके बाद तुम असद के घर उस दिन गई थी जब वो फोटोग्राफ्स मुझे मिली थी, जिसकी वजह से मुझे जेल हुई थी। अर्जुन, तुम इतने बेवकूफ तो हो नहीं कि तुम एक टेररिस्ट के बहकावे में आ जाओ? फिर तुम्हारी कौन सी मजबूरी का फायदा उठा रहा है असद? तुम मेरी बात का जवाब दो। जवाब देने की जरूरत नहीं, सबूत दूंगी कि असद का असली चेहरा क्या है। आज रात को वो हथियार के एक बहुत बड़े स्मगलर से मिलने जा रहा है। तुम वहां चले आओगे तो शायद बॉबी को थोड़ा समझ जाओगे। क्या है, क्या है, क्या है?
शोर जितना समाना देखा सबको बिगाना देखा दीवाना दिल हो गया बोर ओ शम्मा के परवानो दीवानो ओ दीवानो लव 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 ये अनोखा है भी मेरे रास्ते से हट जाओ आगे मत बढ़ो हट जाओ I'm warning you not to move रुक जाओ असद हट जाओ आगे मत बढ़ो असद तुम्हें पता है सारा मिडल ईस्ट में रेगिस्तान में जो कबीले रहते हैं उनके यहां एक खास किस्म का पकवान बनाया जाता है मुर्गी को मारकर बकरी के पेट में डालते हैं और फिर बकरी को मारकर ऊंट के पेट में और फिर उसे आग में पकाया जाता है और फिर होता है जशन बेचारी बॉबी मारी गई अब तीन में से दो बचे और फिर दो के बाद बचेगा एक जिसे मैं मारूंगा और फिर होगा जशन तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे अभी जान से मार डालोगे सच है ना मगर मैं तुम्हें अभी इसी वक्त जान से मार सकता हूं मगर सोचो क्यों नहीं मार रहा क्योंकि मैं खूनी नहीं हूं अगर तुम्हें इस तरह पकड़ नहीं लेता तुम तो मेरी हड्डी तोड़ देते मैंने बॉबी का खून नहीं किया है मेरा विश्वास करो ये वो पिस्तौल है जो मेरे पास थी तुम इसे चेक करवा सकते हो प्लीज अटैक मत करना असद मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है वो नजर का फेर था याद करो मैंने बॉबी के मरने के बाद कितनी गोलियां चलाई थी 6 गोलियां और इस पिस्तौल में सिर्फ 6 गोलियां आती हैं अगर मैंने बॉबी पर 6 गोलियां चलाई फिर तुम पर 6 गोलियां कैसे चलाई तो फिर बॉबी पे गोली किसने चलाई वो गोली उसने चलाई होगी जिसके लिए बॉबी काम करती थी असद शायद सच कह रहा है क्योंकि बॉबी के घर से मुझे वो कैमरा मिला जिसे असद की फोटो खींची गई थी उसी कैमरा से तुम्हारी फोटो भी ली गई थी जिसकी वजह से तुम जेल गए थे लेकिन बॉबी ने ऐसा क्यों किया डॉन राजा के पास बहुत पैसा और ताकत है बॉबी की कोई कमजोरी को इस्तेमाल किया होगा डॉन ने अगर डॉन ने उसे इस्तेमाल किया देन व्हाई डिड ही किल हर ये अंडरवर्ल्ड वाले अपने ऐसे आदमी को गोली मार देते हैं जिस पे पुलिस की निगरानी बढ़ जाती है हम बॉबी के बारे में कुछ ज्यादा ही जान गए थे शायद उसके मरने से डॉन को बहुत फायदा हुआ हो अब तो डॉन को खत्म करने की वजह और भी मजबूत हो गई है मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि बॉबी हमें इतना बड़ा धोखा दे रही थी
लेकिन मैं खुश हूँ ये जान के कि सोफिया तुम्हारी मदद कर रही है। थैंक्स सोफिया। मैं तो अपने देश के लिए फर्ज निभा रही हूँ। और अर्जुन, वो जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स आए थे उनका पता लगाओ। सर, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के बारे में तो कुछ पता नहीं लग पा रहा है। हाँ, लेकिन मुझे पूरा शक है कि डॉन के हमले की जो भी प्लानिंग है वो उसके टीवी सेंटर के सैटेलाइट कंट्रोल रूम से पता चल सकती है। वेल डन, तुम सही ट्रैक पे हो, लेकिन जरा होशियारी से काम करना अर्जुन। रिमेम्बर, तुम वहां पे जेल से भागे हुए मुजरिम हो। What's that? It's a bomb! 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 Help! Bomb! Help! Oh my God! Bomb! Bomb! We have to get out fast! Help! Help! I'm so scared! Oh my God! We have to get out of the building fast! Oh my Hello? Impossible. ये हो नहीं सकता। डॉन सबके यहाँ बॉम्ब लगाता है, उसके यहाँ कोई बॉम्ब नहीं लगा सकता। अर्जुन, Are you sure of this information? Absolutely, sir. This Mr. Raja is a very powerful man. If you find any lie in this, you can fire me. Okay, let's invite Mr. Raja for some tea and have a chat with him. ये तो रेत में तिनका ढूंढने के बराबर है। There is no other way. जिस आदमी ने मिसाइल फायर करने का प्रोग्राम बनाया था, सिर्फ वो ही हमें पासवर्ड बता सकता है। ये प्रोग्रामर्स अमेरिका से आए थे, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाते हैं। गुड आइडिया। अमेरिका ने स्टार वॉर्स के नाम का एक प्लान बनाया था अंतरिक्ष के सैटेलाइट से मिसाइल फायर करने के लिए, और इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हिंदुस्तान से साइंटिस्ट बुलाए गए थे। शायद डॉन ने उन्हीं प्रोग्रामर्स को अपने पास बुला के एक वैसा ही सैटेलाइट तैयार किया हो। यानी हमले का हथियार ना जमीन पे, ना पानी में और ना ही हवा में। अगर गवर्नमेंट रोकना भी चाहे तो कैसे रोकेगी? वैसे ही जैसे किसी ने उसे बनाया है। हमें उस कंप्यूटर प्रोग्रामर से मिलकर वो पासवर्ड लेना होगा। सर, गुड आफ्टरनून मिस्टर राजा। गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू। नाउ टेल मी, व्हाई वाज आई कॉल्ड यू टुडे? I'm sure it's not for a cup of tea. Mr. Raja, since you have come to the point, then we can say that the police department has prepared a file on you. It's not very difficult to guess who's been responsible for all this false information.
The information will be investigated. Nobody investigates, Raja. Actually, Commissioner, you're a good man. I don't blame you for all this stupid stuff that you have around here. This lady has been helping an Indian criminal, Arjun, who's supposed to be in your prison. She's let him go free. Sir, this is totally baseless. The criminal is still in the lockup. Show me the prison cell number. 264, sir. So, Mr. Raja, this is settled beyond doubt. Now I insist that we all go to your satellite, Earth Station, and watch your so-called TV programs. There are some of the best technicians working for us. About 600 people in all. As you can see, we're running a TV station. Nothing unusual. Are you happy? Sir, may I? Yes. Excuse me? Seal the office. मेरे दोस्त राजा, हमारे हिंदुस्तान में कहावत है, 100 सुनार की एक लोहार की। तेरा धंधा तो मैंने बंद करवा दिया, अब तेरे पास कोई काम भी नहीं बचा। चल मुन्ना, हिंदुस्तान चलते। छोटी सी जीत से जो खुश हो जाए वो छोटे इंसान होते, और छोटी सी हार से जो खत्म हो जाए वो राजा नहीं होते। तू भूल रहा है राजा, छोटे छोटे हिंदुस्तानियों ने बड़े बड़े राजाओं को हिला के रख दिया था। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देख, होता है क्या? हेलो। हे राजा, गुड इवनिंग, दिस इज जॉर्ज कॉलिंग। हेलो राजा, हाउ आर यू मैन? यस। Hello? Raja, this is Ahmed here. Hey, what's happening with your hostage? No, everything's under control. Everything's okay. Listen to me. Everything is fine. It's all under control, I'm telling you. I spoke to Michael, even he's not happy. What's happening? Just give me my money back. Bye. Boys, sorry, bye. Let's get my Earth Station back, boys. Switch on the computers and connect me to satellite. हम कभी हार नहीं मानते। डॉन फिर से कंट्रोल रूम का राजा बन गया है। हेलो राजा, मुझे पता था तू कोई बेवकूफी का कदम जरूर उठाएगा। मैंने पूरे टावर में बॉम्ब्स लगा रखे हैं। अब मैं तुझे चूहे की तरह भागते हुए देखना चाहता हूँ। तेरे पास भागने के लिए सिर्फ 10 सेकेंड है। Your time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, goodbye. Arjun, अच्छा लगा तुम्हारा अंदाज। अब खेल में कुछ गर्मी आई है। ये गर्मी वो शोले बनेगी जो तुझे राख कर देगी। यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों का, मेरी इंटेलिजेंस को नहीं समझते।
एक टावर के ब्लास्ट होने से मेरे प्लान को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा हथियार तो अभी भी सलामत है, वो वहाँ है जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। वो मिसाइल तो मैं दुनिया के किसी भी कोने से फायर कर सकता हूँ। शोले तो बरसेंगे अर्जुन, लेकिन तुम्हारे हिंदुस्तान पर सब कुछ खाक कर देंगे। मैडम सारा, हेलो, सिक्योरिटी अलर्ट, सिक्योरिटी अलर्ट। Get me a choice. Bulgaria? Sofia? Don's bedroom. Robert, ध्यान रखो, चेहरा खराब मत करना। कमबख्त बहुत खूबसूरत है। सारा कमरे से जाए। अर्जुन, मैं तुम्हें प्रोफेसर सुब्रमण्यम का पता भेज रही हूँ। डॉन के सैटेलाइट में जो मिसाइल्स हैं, वो इसी प्रोफेसर ने डिजाइन किए हैं। मिसाइल को रोकने का पासवर्ड भी इसी के पास है। अब ये डॉन का कैदी है और इसे डॉन ने बोयाना के जंगल में छुपा के रखा है। अर्जुन, मुझे खुशी है कि मैंने इसी जिंदगी में मरने से पहले प्यार का एहसास किया है। तुम्हें मेरी उम्र लग जाए अर्जुन। ये बहुत अच्छी खबर है। हमें क्या पता ये डॉन की कोई अगली चाल भी हो सकती है। नहीं, वो सच कह रही है। मैंने प्रोफेसर के बारे में सुना है, डॉन उसे अमेरिका से लाया था। असद, हमारे पास वक्त बहुत कम है। 26 जनवरी में कुछ ही घंटे बाकी हैं। तुम ये पता जानते हो क्या? मुझे बोयाना का जंगल अच्छी तरह मालूम है। Friends, may I ask you to pray sincerely for well-being of our motherland, India. Defense Minister, sir. Thanks. Yes, sir. Yes, sir. मैं हमारे एजेंट को कांटेक्ट करने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ, सर. Yes, sir. वो जरूर हमले को रोकने में लगा होगा, सर. I keep you informed. I promise you.
Professor? Professor? सर एक बुरी खबर है सर, डॉन राजा के आदमियों ने इंडियन एम्बेसी पे कब्जा कर लिया है। Shoot anyone who makes a noise. Hello, Mr. Ambassador. कैसी तबीयत है आपकी? यकीन नहीं होता ना? मुझे भी नहीं होता. Where is the computer room? Boys, connect me to the computers of the Earth Station of Mount Plana. Now. Arjun, कुछ मिला? नहीं, खास कुछ नहीं. Oh, Professor. डॉन राजा के आदमियों ने इंडियन एम्बेसी पर कब्जा कर लिया है और हाँ, बॉबी जिंदा है और डॉन राजा से मिली हुई है। बॉबी? Attention! We are warning you that we will attack you in 5 minutes. If you don't, surrender immediately. Blast them. Republic Day, Mr. Commissioner. Now listen carefully. I've won total control on the Earth Station at Mount Plana immediately. We don't negotiate with terrorists. Okay. Then you're responsible for what happens. Sir, I have a shot. Stop! Don't do that! Until they have the hostages! Okay! Stop this killing! I will give instructions. Hello, partner. Mount Plana का स्टेशन अब हमारा है. मैं इंडियन एम्बेसी के कंप्यूटर से अर्थ स्टेशन के कंप्यूटर्स लॉक करने जा रही हूँ. तुम आ जा सकते हो. Very good, Bobby. इंडियन गवर्नमेंट ने तुम्हें सही ट्रेन किया है. लेकिन काम मेरे आ रही हो. मैं सिर्फ अपने लिए काम करती हूँ. अब सुनो. जब तुम सैटेलाइट से कांटेक्ट कर लोगे और $250 million मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, तब मैं यहाँ से ये बटन दबा दूंगी. I like that. काम के बाद क्या कर रही हो? डिनर करोगी? ये शेरनी कीड़ का शिकार नहीं करती. I love people who hate me. Don't shoot. We are ready to help you.
डॉन को किसी की मदद की जरूरत नहीं. क्लीन आउट द मेस एंड टेक ओवर गाइस. बॉयज चेंज द कोऑर्डिनेट्स. द टारगेट इज द 5 न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑफ इंडिया. आज वो दिन आ गया है जिसका मैंने वादा किया था. आज हिंदुस्तान में मौत का तांडव होगा. नाउ ट्रांसफर द मनी टू माय अकाउंट इमीडिएटली. Drop your gun. Hello. Babey, मैंने $250 million तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए. Now, sweetheart, send me the signal. Okay. मैं तुम्हें एक मौका और दूंगा. तुम अपनी गलतियां सुधार सकती हो. मैं ये बटन दबाने जा रही हूँ जिससे डॉन राजा को सिग्नल मिल जाएगा और वो सैटेलाइट के जरिए सारी मिसाइल्स फायर कर देगा. स्टॉप बॉबी, वरना मैं गोली चला दूंगा. ऑल मिसाइल्स इन पोजीशन, गेट सेट टू फायर. अर्जुन, सारे हॉस्टेजेस आर फ्री. ओह बॉबी, जीनियस जब कुत्ते की तरह पागल हो जाते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाती है. मिसाइल फायर हो चुकी, हमें आज स्टेशन जाना है. 10 मिनट में ये मिसाइल्स अपने टारगेट पे पहुंच जाएंगे और हिंदुस्तान खत्म. सर, वो अंतरिक्ष में होने की वजह से हम कुछ नहीं कर सकते सर. आए I
अर्जुन, अगर तुम अंदर गए तो मैं इन दोनों को गोली मार दूंगा। ड्रॉप द गन अर्जुन। मैंने सोचा था तुझसे बाद में निपटूंगा, मगर लगता है तुझे मरने की बहुत जल्दी है। बॉबी को तो मैंने नरक पहुंचा ही दिया है, अब तेरी बारी है। अरे वो तो मेरे शतरंज का एक और मौरा था। मेरे लिए तो तुम्हारे देश के बड़े मिनिस्टर और बाबू काम करते हैं, और उन सब का धर्म है पैसा। अरे दोस्त, मैं तो धर्म और मजहब की लड़ाई लड़ने वालों की मदद करता हूँ। धर्म में कभी आतंक नहीं होता, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। जो धर्म आतंक सिखाए वो धर्म धर्म नहीं होता। तू इतना अच्छा क्यों बनता है रे? अब तेरी सारी ईमानदारी तेरे देश को नहीं बचा सकती। इस गोली को पहचान राजा, इस पे तेरा नाम लिखा हुआ है। उस दिन लिखा गया था जिस दिन तूने सचिन को गोली मारी थी। तू क्या सचिन सचिन कर रहा है रे? 100 करोड़ की आबादी में एक सचिन मर गया तो क्या बड़ी बात हो गई? क्योंकि अपनी माँ के लिए वो करोड़ों में एक था, अपनी बीवी के लिए 100 करोड़ में एक था। अर्जुन, आई लव पीपल हू हेट मी। शूट हिम बॉयज। तुम अंदर जाओ, मैं इसे संभालता हूं। मिसाइल फायर हो चुकी, हमारे पास वक्त बहुत कम है सोफिया, हमें पासवर्ड ढूंढना होगा। डॉन, मैं सारी जिंदगी टेररिस्ट से लड़ता रहा सिर्फ इसलिए कि तुझ जैसे आदमी तक पहुंच सकूं जो आतंक फैलाता है दौलत कमाने के लिए। डैम, कुछ समझ नहीं आ रहा पासवर्ड क्या होगा। सुब्रमण्यम ट्राई करते हैं। डजंट वर्क। हिंदुस्तान ट्राई करो। Good idea. क्या हो सकता है? इस गाड़ी में कुछ है क्या? मैं कोशिश कर रही हूँ। तो अच्छी तरह कोशिश करो। ईश्वर, निशा, दिव्या, अंकिता, ये प्रोफेसर की फैमिली है। ये नाम देखो, आई फॉर ईश्वर, एन फॉर निशा, जी आई दिव्या, ए अंकिता। दैट मीन्स इंडिया। ये शायद पासवर्ड हो सकते हैं। माफी नामा, प्रोफेसर ने अपनी फैमिली से माफी मांगी। अर्जुन, अब तो बहुत कम टाइम रह गया है। सर, अब क्या होगा सर? मुझे पूरा यकीन है कि अर्जुन कामयाब होगा। तुझ जैसे आदमी ने मेरी बीवी बच्ची का गला काट दिया था। एक मिनट, प्रोफेसर ने अपनी फैमिली से माफी मांगी। ये देखो, सॉरी ईश्वर, निशा, दिव्या, अंकिता, यानी सॉरी INDIA, सॉरी इंडिया। प्रोफेसर ने पूरे देश से माफी मांगी है। सॉरी इंडिया, ये पासवर्ड हो सकता है। मैं तो अपनी बीवी और बच्ची के पास जा रहा हूं, मगर तू जानू मैं बहुत आवाज करता है साला। Hold on, please, please,
It's worked. It's worked. Yes. Thank you, Bhagwan. हमने अपने देश को बचा लिया. भारत को बचा लिया. हिंदुस्तान जिंदाबाद. Yes, sir. राजा जैसे लोगों की वजह से हिंदुस्तान कब का बर्बाद हो गया होता, लेकिन असद जैसे वतन परस्त लोगों की वजह से अभी भी कायम है और हमेशा कायम रहेगा.